नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। आज डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। उज्जैन के भेरूगढ़ जेल में करोड़ों के गबन कांड में संदिग्ध चल रहे मीडियाकर्मी जगदीश परमार ने आज एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उसकी जानमाल की रक्षा करने की बात करते हुए कहा कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इधर पुलिस ने जगदीश परमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस दौरान कुछ पत्रकारों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। बता दें कि उज्जैन के भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में हुए जीपीएफ घोटाले में मुख्य आरोपी अकाउंटेंट रिपुदमन सिंह और तत्कालीन जेल अधीक्षक कुशराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद फिर दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मध्य प्रदेश में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के बाद इधर से उधर हुए अधिकारी अब संबंधित पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान भोपाल के आईजी कार्यालय पहुंचकर नवागत ग्रामीण आईजी अभय सिंह ने देहात आईजी का कार्यभार संभाला। तत्कालीन आईजी इरशाद वली खान ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर पदभार दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत देहात आईजी अभय सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ भी योजना बनाकर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि भोपाल में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे इरशाद वली को नर्मदापुरम संभाग का आईजी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति में कलेक्टर नुपुर राशि ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों की व्यवस्थाओं, बच्चों को दिए जाने वाले पोषक आहार के बारे में जानकारी दी। साथ ही कलेक्टर ने बच्चों के वजन और हाइट की भी जांच कराई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले पोषक तत्वों को लेकर खास निर्देश दिए। निरीक्षण में कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही नवसारा आंगनबाड़ी केंद्र में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। भिंड में 1954 से संचालित प्राचीन व्यापार मेले का विधायक संजीव सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस बार मेले का आयोजन नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा है और अगली बार भिंड नगर पालिका से नगर निगम हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगला आयोजन नगर निगम की ओर से होगा और मेले में ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर वाहनों पर छूट भी दी जाएगी। विधायक ने बताया कि मेले में दंगल के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक अल्ताफ राजा भी गानों की शानदार प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। 1956 से ये व्यापार मेला लगता आया है, बहुत पुराना मेला है और पूरे शहरवासियों को और सभी जिलेवासियों को भिंड मेले का इंतजार रहता है कि कब मेला लगेगा। खासकर हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, बुजुर्ग सभी को इंतजार रहता है। तो अब चूंकि ग्वालियर मेला के बाद भिंड मेला लगता था, ग्वालियर मेला थोड़ा लेट हुआ, इस वजह से थोड़ा सा ये मेला भी लेट हुआ समय की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह मेला लगने से। और प्रति वर्ष ये मेला लगता है, इसमें दंगल का आयोजन होता है, काफ़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट होने से BSF के दो जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि BSF की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए गश्त पर निकली थी। चिलपरास कैंप से 2.5 किलोमीटर दूर काग बरस के बीच एक नाले में नक्सलियों ने IED लगा रखी थी, जिसकी चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए। सुशील के चेहरे, आंख और छोटू राम के पैर और हाथ में चोट आई है। बता दें कि हाल ही में चिलपरास में BSF ने नया कैंप खोला, जिसे लेकर नक्सलियों में बौखलाहट है। नक्सली लगातार इस इलाके में घटना को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को फिर कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम लेने के साथ साथ कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं, संसदीय परंपराओं, संसदीय मान्यताओं का अपमान करने की भी बात कही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी से मुख्यमंत्री बनने का मुंह छूट नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने स्वयं भावी CM के होर्डिंग्स लगवा दिए थे। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी दिल्ली की बात नहीं मानते और कांग्रेस में जिले के नेता कमलनाथ जी की बात नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। दंतेवाड़ा में युवा दिवंगत नेता स्वर्गीय दीपक कर्मा की 40वीं जयंती बड़े सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पंचायत सदस्य और महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुलोचना कर्मा ने अपने भाई की याद में माँ दंतेश्वरी मंदिर में भंडारे और फल वितरण का आयोजन किया। सुलोचना कर्मा ने बताया कि भंडारे के बाद पूरी टीम आश्रम पहुंची, जब बच्चों के साथ मिलकर केक काटकर दीपक द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को याद किया गया। आगे उन्होंने कहा कि दीपक भले ही आज जल नहीं रहा हो, लेकिन उसकी रोशनी सभी ओर फैल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला दिवस समारोह के अंतर्गत समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। समाज सेवी संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ ही महिला जागरूकता और साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर सेमिनार रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, विशेष अतिथि के तौर पर एडिशनल SP चंचल तिवारी मौजूद रही। महिला दिवस तो 8 मार्च में मनाया जाता है, लेकिन 8 को ही होली का त्यौहार मनाया, इसलिए आगे पीछे तो मनता ही है। बढ़िया है ये एक महीना नहीं, दूसरे महीना नहीं, तीसरे महीना तक अपना कार्यक्रम होते रहते हैं। महिला सम्मान
छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रोजाना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा में बिहान केंडर्स के कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ कार्यकर्ताओं ने नियमित किए जाने और वेतन को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी। हमारा मांग यही है कि हम लोग को नियमित हर महीने के 5 तारीख तक पेमेंट दिया जाए और दूसरी मांग है कि हमको नियमितीकरण दिया जाए सर, क्योंकि हम लोग का कोई लेटर तो है नहीं सर कि कब तक हम लोग को नियुक्त है, कभी भी निकाल सकते हैं, तो यही। और दूसरा हम लोग का पेमेंट बढ़ाया जाए सर सभी कैडरों का, जो बहुत ही कम है। बेमेतरा जिले में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। तजमामला नगर पालिका के सीमा क्षेत्र का है, जहाँ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वही घटना के वक्त परिवार के लोग मंदिर गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द खुलासे का दावा किया। पूजा करने आए थे, सवेरे करीबन 10:20 को घर से निकले थे और 12:10 को गए घर में, यानी 12:10 बजी थी तब हम लोग घर गए, तो मिसेज ने आगे का दरवाजा खोला और अंदर गई ना तो पूरे ताले, तीनों कमरे के ताले और अलमारी टूटी पड़ी थी। 50,000 करीबन नकदी केस हुआ है और करीबन 11 तोला से ज्यादा करीबन सोना हुआ। जांजगीर चांपा में पुलिस ने महिलाओं के साथ जबरन घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी पिछले 3 महीने से फरार बताए जा रहे थे। बता दें कि इस मामले में 9 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद जिला रोजगार के पंजीकरण कार्यालय में लगातार बेरोजगारों की भीड़ लग रही है। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां बेरोजगारी भत्ता की आस में पंजीयन कराने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बेमतरा कलेक्ट्रेट में बेरोजगारी भत्ते के लिए लाइन में लगी लड़की बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इन्होंने बताया कि ये बेहोश हो गई थी कुछ देर पहले कलेक्ट्रेट में और जांच करने पर इनका बीपी थोड़ा कम आया है, इसका इलाज यहाँ पे जिला अस्पताल बेमेतरा में किया जा रहा है। ऐसे क्या करना है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, खाना पीना अच्छे से नहीं खाना, धूप में ज़्यादा देर रहना, कुछ काम, पानी अच्छे से नहीं लेना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भोपाल के टीटी नगर इलाके में सरकारी कॉलेज की महिला प्रोफेसर को अश्लील मैसेज और धमकी देने का मामला सामने आया। महिला प्रोफेसर का आरोप है कि यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला युवक उसे करीब 20 साल से प्रताड़ित कर रहा है, वो उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज करता है। वहीं महिला की फटकार लगाने पर मंचला युवक महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने आगे बताया कि सुल्तानपुर में रहने वाली उसकी मामी ने युवक को उसका मोबाइल नंबर और पता दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। असली वीडियो का नहीं, लेकिन ये है कि एक अपराध पंजीबा टीटी नगर में हुआ है, 354 का और 507 का। उसमें एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि वो 20 साल से लगभग 20 साल से उसे लगातार मैसेज भेज के, गंदे मैसेज भेज के और कॉल करके परेशान कर रहा है, उसके नंबर ब्लॉक करती है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कॉल किए जा रहा है। इसके आधार पर टीटी नगर थाने में प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीते 15 मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों की सामूहिक हड़ताल जारी है। सभी अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। बीते सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के संयुक्त मोर्चा ने थाली लोटा बजाकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए सभी ने सरकार से अपने नियमितीकरण समेत कई अन्य मांगे भी की। जो पर्यवेक्षक है महिला बाल विकास में, 36 वर्षों से पर्यवेक्षक के पद पर ही है, आज तक हमें कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि सुपरवाइजरों को पदोन्नत करके उन्हें परियोजना अधिकारी बनाया जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे मैं भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।